अगर ओवैसी के साथ लालू जी अलायंस करते हैं तो उस स्थिति में लालू जी फेंका जाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी बाद मुहर्रम या हुसैन नहीं करना चाहिए, वक्त गुजर गया आप उसको दोहरा रहे हैं, ये नहीं है। लालू जी हो या तेजी कोई मिल जाए, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ नीतीश कुमार ही का चलेगा, यहाँ विकास के नाम पर सबको वोट मिलेगा, यही जान लीजिए आप। ओवैसी को फायदा होता, ओवैसी को फायदा, ओवैसी को फायदा होता, संख्या उसकी बढ़ जाती, माने सीएम ही बन जाते, क्या कहते हैं तेजस्वी बन जाते। लेकिन आने वाले समय में भविष्य की बात बताता हूँ, वो लालू जी के लिए खतरा की घंटी बज सकती है। ओवैसी साहब ने एक बड़ा बयान देते हुए बिहार की राजनीति को गर्मा दिया है। उनका बयान था कि अगर 2020 विधानसभा चुनाव में उनसे मुलाकात तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव कर लेते या बातचीत बन जाती, आपसी सहमति से गठबंधन बन जाता, तो आज बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते। सोचिए यह बयान कितना बड़ा है। अब इसमें सवाल यह है कि क्या ओवैसी और राजद के गठबंधन हो जाने से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाते, और अगर बन जाते तो क्या उस समुदाय का क्या होता। आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ पटना से लोग पब्लिक जोड़ेंगे, जिनमें पब्लिक ओपिनियन हम लेना चाह रहे हैं, कैसा आता है देखेंगे पहले क्या राय रहती है। ओवैसी साहब के बयान को आप भी बखूबी जानते हैं, आपको क्या लगता है कि 2020 विधानसभा चुनाव में अगर गठबंधन हो जाता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाते। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी बाद मुहर्रम या हुसैन नहीं करना चाहिए, वक्त गुजर गया आप उसको दोहरा रहे हैं, ये नहीं है। लालू जी हो या तेजी कोई मिल जाए, यहाँ फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ नीतीश कुमार ही का चलेगा। नीतीश कुमार विकास के ऊपर आए, अब वो विकास के नाम पर जीत रहे हैं। चुनाव में अक्सर ऐसी बयानबाजियाँ करते हुए देखा गया है, ओवैसी की पार्टी जो है AIMIM, इसे वोट कटवा बताया जाता है, बावजूद इसके 5 सीट बिहार में जीत गई है। देखिए बात 5 सीट जाने से नहीं है, वोट कटवा तो है ही है, ऐसा थोड़ी है कि यहाँ आ जाएंगे तो पूरा उनका ये हो जाएगा, ऐसे गलत फहमी का शिकार है लोग। यहाँ विकास के नाम पर सबको वोट मिलेगा, यही जान लीजिए आप। विकास के नाम पर जो विकास करेगा उसी को वोट मिलेगा। क्या सरकार बनाने में ये दोनों सक्षम है, ओवैसी और राजद अगर मिल जाए तो? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, सरकार बनने का सवाल ही नहीं होता है। यहाँ नीतीश कुमार का, जब तक नीतीश कुमार थकेंगे नहीं, दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। चलिए और भी लोगों को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, और भी लोगों से हम जुड़ेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे क्या कुछ होता है और लोग क्या इस पर अपनी राय रखते हैं। फिलहाल क्या नाम है चाचा? मेरा मोहम्मद अली। एक सवाल है, ओवैसी साहब ने एक बयान दिया है, इधर आ जाइए थोड़ा सा साइड आ जाइए, टाइम नहीं है, जिनके पास टाइम नहीं है, चलिए जिनके पास टाइम है उन्हीं से हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। ओवैसी के कल वाले बयान से क्या लगता है, बिहार में सरकार बन जाती? सरकार बन जाती और कांग्रेस को उतना सीट नहीं मिलता, 70 के बदला उसको तो मिलना चाहिए, सही माने में 20-25 को सीट मिलना चाहिए, है नहीं तो अपने भी लड़ जाता, क्या कहते तेजस्वी जी उस पर, तो सीट की संख्या बढ़ जाती। तो फिर कांग्रेस नहीं मानती? कांग्रेस नहीं मानती तो कांग्रेस का नाम मानने से वो अभी एक क्षति होती, ये बात भी है। अच्छा, ओवैसी साहब ने ये कहा है कि अगर हमारा गठबंधन RJD के साथ हो जाता तो बिहार में सरकार तेजस्वी यादव की होती, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। आखिरकार राजद ने क्यों गठबंधन नहीं किया, कोई तो वजह रही होगी? वजह हम नहीं बताएंगे, वजह हम जानते हैं क्यों ऐसा, मतलब नहीं वो किए। आप अपनी राय तो बता सकते हैं। नहीं, हम वो चीज़ हम नहीं बताएंगे, वो चीज़ हम नहीं बताएंगे, हम जानते हैं वो चीज़ क्यों नहीं लालू जी किए ओवैसी के साथ, वो हम जानते हैं कि आने वाले समय में उनको ज़्यादा घाटा होगा। क्या इसमें फायदा किसका था अगर गठबंधन होता तो, ओवैसी को या RJD को? ओवैसी को फायदा होता, ओवैसी को फायदा, ओवैसी को फायदा होता, संख्या उसकी बढ़ जाती, माने CM ही बन जाते, क्या कहते हैं तेजस्वी बन जाते। लेकिन आने वाले समय में भविष्य की बात बताता हूँ, वो लालू जी के लिए खतरा की घंटी बज सकती है, ओवैसी निश्चित, इसमें कोई दो मत नहीं, ये मैं पहली बार बोला हूँ, बोलना नहीं चाह रहे थे। लेकिन एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है, यही लालू यादव की पार्टी, इसी पार्टी के सुप्रीमो आज भी लालू प्रसाद यादव हैं, उपचुनाव में जो सरकार बनाने की जो दलील दे रहे थे RJD के नेता, वो 5 विधायक ओवैसी के जोड़ने के बाद ही सरकार बनाने की बात कह रहे थे। हाँ, कह रहे थे, सही बात है। तो
तो खतरा तो तब भी था, खतरा अब भी है? खतरा तब उतना नहीं था, यानी कि आज वो वैसी कहीं चुनाव की मथी में, जैसे मैं यूपीए की बात कर रहा हूँ, है नहीं, जैसे है तो वो तो चाहते हैं कि अखिलेश जी किससे गठबंधन, अखिलेश जी कट के चलते हैं, क्यों कट के चलते हैं, बात वही है जो मैं कह रहा हूँ। क्या वैसे जी की एक छवि राष्ट्रीय विरोधी रही है? लोग तो ये भी बजा है, लोग लो, माने आम चर्चा है कि वो बीजेपी का एजेंट है, वोट कटवा के रूप में, कटवा के रूप में एकदम बिल्कुल वोट कटवा के रूप में, कहीं दो मत नहीं है इसमें। यही अपनी छवि शायद मिटाने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दे दिया हो कि अगर लालू यादव गठबंधन कर लेते तो सरकार बन जाती। इसी तरह इसीलिए वो बयान दिए हैं ताकि लोग समझे और लालू जी पर प्रेशर बने या लालू जी क्या करें, इस सीख से अखिलेश यादव सीख ले। हाँ हाँ बात सही है, मुद्दा तो यूपी चुनाव ही होगा। एकदम सही कर रहे हैं, यही चीज। आज भी उनकी जो छवि है वो एक भुटकटवा की ही रूप में है, सरकार बनाने लायक नहीं है। आम मतदाता बोलता है इसी कि भुटकटवा है वो, आम मतदाता बोलता है। चलिए धन्यवाद। वैसे साहब ने एक बयान दिया है कि अगर 2020 में हमारा गठबंधन आरजेडी के साथ हो जाता, हमारी बात तेजस्वी लालू जी मान लेते तो सरकार तेजस्वी यादव की बनती, मुख्यमंत्री अब तेजस्वी यादव होते। अब तक अगर ओवैसी के साथ लालू जी अलायंस करते हैं तो उस स्थिति में लालू जी फेंका जाएंगे। जितनी सीटें मतलब लालू जी की अभी आई है इतनी भी नहीं आ पाती? उतनी भी नहीं आएगी। क्या वजह लगता है इसके पीछे? ओवैसी है जो क्लियर वो धार्मिक भावना उभारता है, वो विद्वेष की भावना रखता है, राष्ट्र की बात नहीं करता है, वो बस केवल धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स कर रहा है। तो यहाँ सामाजिक उत्थान की जहाँ बात है, सामाजिक न्याय की बात है, वहाँ केवल धार्मिक से काम नहीं ना चलेगा, सेकुलर होना पड़ेगा, सेकुलर होना पड़ेगा। इसलिए अगर गठबंधन होता तो और बैकफुट पर आरजेडी हो जाती? हाँ, और बैकफुट पर हो जाती। तब फिर ये आरजेडी 2021 के उपचुनाव में क्यों कह रही थी कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं? 5 विधायक तो वैसी का भी उसमें जोड़ा गया था। अब उसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। आपको क्या लगता है सर? हम ये सब नहीं जानते। लालू जी को जानते हैं? लालू जी को जानते हैं और ये सब राजनीति हम नहीं। लालू जी कैसा नेता लगते हैं? लालू जी ठीक है लगते हैं, ठीक है लगते हैं। आपको लगता है कि बिहार के हित में कुछ फैसला लिए हैं या बहुत ज्यादा ज्यादा फैसला लिए हैं? नहीं, हमको तो नहीं पता है सब। आप तो पूरा जिंदगी जी लिए बिहार में। बिहार में जिंदगी जी लिए ना जी? हम लोग सब पॉलिटिशियंस हैं, हम वैसे को जानते हैं ना? उसको तो नहीं जानते, जंप नहीं करते हैं उसको, तो हम बोलबे नहीं करेंगे, जानते हैं। बताइए ना, ओवैसी को ये जानते ही लोग नहीं है। ये भी एक बिहार का ओवैसी के, अब ओवैसी को अपना पहले प्रचार करना पड़ेगा। पार्टी का छोड़िए, ओवैसी जी पहले आकर बिहार में आप अपना प्रचार करिए, आपको लोग जाने, फिर ये जानेंगे कि आप कौन हैं और क्या करते हैं। कल जो ओवैसी ने बयान दिया है कि अगर हमारा गठबंधन राजद के साथ हो जाता, हमारी बात लालू जी और तेजस्वी जी मान लेते तो बिहार का अब तक मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते, आपको भी लगता है? देखिए ऐसी बात है नहीं, अब बिहार के आदमी अभी फिलहाल जो लॉकडाउन हुई उसमें वो लोग कहाँ थे, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो सब नेता हाथ हिलाने लगे, लास्ट में खड़ा उतरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने? सभी क्षेत्र में आदमी अपनी कार्यकर्ता को भेज भेज करके उसने सारा जनता को हर चीज से, राशन से, पानी से, बिजली से, राशन घर घर बांटा। से आवाज दे रहे हैं कि दारू पिलाया है नीतीश कुमार। अरे दौड़ क्यों रहे हैं सर, आइए तो। नीतीश कुमार नहीं पिलाया है? हाँ। कौन कह रहा कि दारू बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया। अच्छा, कहाँ बंद हो गया? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बंद हो गया है? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बंद हो गया। हाँ, बंद हो गया, सब जगह तो बिक ही रहा है। अच्छा, समीक्षा होने के बाद भी बिक रहा है क्या? देखिए कहाँ कहाँ बिक ही रहा है, हम तो नहीं पीते है ना, अपने आँख से देख रहे हैं। पीते नहीं, बिहार के लोग पीते नहीं है लेकिन जानते सब कुछ हैं। चलिए फिर से ओवैसी पर आ जाते हैं, ओवैसी सरकार बना लेते हैं? ओवैसी सरकार कभी नहीं बना पाएंगे, इसलिए कि वो हैदराबाद के है, अब बिहार में आकर के जहाँ हमारा घर है और वो कहेंगे हम अपना आपके घर में हिल जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है।
हाँ आपको क्या लगता है किसको फायदा होता है ओवैसी अगर राजद का गठबंधन हो जाता तो लालू जी को फायदा होता क्यों ओवैसी? देखिए हवा था नरेंद्र मोदी जी का, उसमें हमारे सरकार नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उसका यहाँ हवा था, हम लोग उसका समर्थन किए कि घर के आदमी को घर का ना आदमी को समर्थन करेगा कि बाहर के आदमी आएगा तो और क्या, लालू जी भी बाहरी हैं? नहीं लालू जी अपने घर के हैं, चर्चा तो लालू जी पर भी हो रहा है। लालू जी पे चर्चा वो ठीक है, वो गठबंधन में अभी हाल फिलहाल आपको सारा मालूम है, आपको याद थोड़ी विशेष ऐसा दे थी नहीं। इसी संदर्भ में अब देखेंगे फिर से कि ओवैसी के बयान को लेकर के लोग क्या सोचते हैं, बिहार में कितना लोग ओवैसी को जानते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।